दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या बोला गया। क्रमशः 6 सेंटीमीटर कोमा है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को, 1, 2, 3 गोला, तीनों गोलों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया, तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बना दिया गया। इस गोले की त्रिज्या, जो बड़े वाला गोला बना है उसकी त्रिज्या निकालना है। बिल्कुल आसान है, देख लीजिए, हमने लिख लिया 3 गोला दिया है तो एक का त्रिज्या R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 और बड़े गोला का त्रिज्या हम बड़ी R मान ली। ठीक है, अब इसमें एक कॉमन बात जानते हैं, बड़े गोले का आयतन बराबर होगा तीनों गोले के आयतन का योग, उसी से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो लिखते हैं, चूंकि बड़े गोले का आयतन भी बराबर तीनों गोले के आयतनों का योग, तीनों गोले के आयतन को जोड़ेंगे तो बड़ा गोला का आ जाएगा। गोला का आयतन होता है 4y3 pi, बड़ा गोला है तो बड़ा r माने हुए हैं तो πr³ बराबर तीनों गोला, छोटे के लिए 4y3 πr³ प्लस दूसरा के लिए 4y3 πr²³, तीसरा के लिए 4y3 πr³³, तीनों का हम आयतन निकालेंगे। बहुत आसान है, देखिए अब यहाँ पर देखिए 4y3 πr³ बराबर 4y3 तीनों में है तो 4y3 कॉमन, ππ तीनों में है तो π कॉमन। अब बचता है R³ प्लस R² प्लस R³, ये 3 बचता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब 4y3 πi जो है ये भाग, ये गुना में है ना पूरे का, ये आ जाएगा भाग में, या इसी को भाग में किसी को भी हम भेज सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो कट यहीं से कट भी जाएगा। ठीक है, चलिए हम भाग में भेज कर काटते हैं ताकि आप इसको समझ सके। R³ बराबर 4y3 πi, तो ये भी 4y3 πi भाग में आया इंटू R1। R1 कितना, 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर³ प्लस R2 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर³ प्लस R3 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर³। 4y3 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा। R³ बराबर 6 को क्यूब कीजिएगा, 4 × 36 = 216 cm³ प्लस 8 का करेंगे तो 8 का आ जाएगा 8 × 64, 64 × 8 तो 8 × 32 = 2 × 3 और 8 × 48 = 51, 512 cm³। एक यहाँ पर 10 है, 10 का क्यूब करेंगे 1000 होगा। ठीक है, चलिए अब R³ बराबर तीनों को जोड़ेंगे 1500, 1500, 1500, 1700, 16 × 2 = 18, 10 × 18, 1728 cm³। ये क्यूब है, यहाँ इसका घन निकालना है, मतलब R बराबर हो जाएगा 1728, इसमें घन, इसका अब घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो घनमूल आप क्लास 8 में ज़रूर सीखे होइएगा, देखिए अभी काम आ रहा है। तो 1728 का घनमूल आ जाएगा 12, यहाँ cm³ है, cm³ का cm, यही आंसर होगा बड़ी R का। आपको जांच करना है तो 12 को 3 बार गुना कीजिएगा, 1728 आ जाएगा। आपको आंसर मिला देते हैं, देख लीजिए 13.3 का दूसरा का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए,